तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि गुजरात में दूसरे चरण के मतदान में कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी करा रही है ईवीएम खराब। कांग्रेस पार्टी ने लगाया आरोप, कहा हार से बौख लगी है भाजपा। कांग्रेस के समर्थन में सुबह से ही हो रही है गुजरात में जबरदस्त वोटिंग, भाजपा को लग रहा है बड़ा झटका। वहीं दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि रामपुर विधानसभा सीट पर मतदान के बीच आजम खान ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, कहा पुलिस मुसलमानों को नहीं डालने दे रही है वोट, दे रही है धमकी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची राजस्थान, राहुल बोले ये महात्मा गांधी की पार्टी है, सावरकर या गौडसे की नहीं। वहीं आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने लगाया बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा यादव नाम के 2000 कर्मचारियों को मतदान केंद्र से जाने से रोका गया। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात में बीजेपी में शामिल होकर हार्दिक पटेल ने किया गलत, नाराज पाटीदार युवकों ने दूसरे चरण के मतदान के दौरान हार्दिक पटेल के खिलाफ लगाए पोस्टर, कसा है तंज, बुरी तरह से चुनाव हारेंगे हार्दिक पटेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुंबई में मुस्लिम व्यक्ति की हुई मॉब लिंचिंग, पीट पीट कर लोगों ने कर दी हत्या, अब एएमएम पार्टी ने उठाई है कार्रवाई की मांग। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में दूसरे चरण के मतदान में कई जगह पर ईवीएम खराब, कांग्रेस बोली भाजपा के खिलाफ हो रही है वोटिंग, तो बीजेपी करवा रही है ईवीएम खराब। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में दूसरे चरण की 93 विधानसभा सीटों पर सुबह से ही वोटिंग जारी है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि जहां पर कांग्रेस पार्टी जीतने की स्थिति में है उन क्षेत्रों में ईवीएम को खराब किया जा रहा है। चुनाव आयोग से शिकायत करने के बाद भी चुनाव आयोग इस पर एक्शन नहीं ले रहा है और ईवीएम बदलने में दो दो तीन तीन घंटे लगा रहा है, जिससे वोटिंग प्रभावित हो रही है और कांग्रेस पार्टी के समर्थक लगातार वोट डालने के लिए उत्साहित है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात में दूसरे चरण के मतदान में भी बीजेपी के लिए खतरा मंडरा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात में दूसरे चरण के मतदान में भी कम वोटिंग होती हुई नजर आ रही है, लोग बीजेपी से नाराज हैं और लगातार बीजेपी पर यही आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने बीते 27 सालों में गुजरात में रोजगार नहीं दिया, गुजरात के लोग दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के राज में भी गुजरात का कोई विकास नहीं हो पाया, इसी कारण गुजरात की जनता इस बार सत्ता परिवर्तन चाहती है और इसी सत्ता परिवर्तन से बीजेपी बौखलाए हुए है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी सहित गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुजरात पहुंचकर वोट डाला है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गुजरात में इस बार बीजेपी का सूपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रामपुर सीट पर मतदान के बीच आजम खान ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप, कहा पुलिस रामपुर के लोगों को दे रही है धमकी, कहा वोट डाला तो करेंगे आपके खिलाफ कार्रवाई। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव के तहत आज मतदान हो रहा है। मतदान के बीच रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस वोट डालने से लोगों को रोक रही है। आजम खान ने कहा है कि वर्बरता की जा रही है और लोग को गिरफ्तार जबरदस्ती किया जा रहा है, पीटा जा रहा है, पुलिस कॉलोनियों में जा रही है और लोगों को वोट देने के लिए बाहर नहीं निकलने के लिए कह रही है। एक कॉलोनी के लोगों ने अपने घरों को बंद कर लिया है और डर के मारे पलायन कर गए हैं। हर जगह बोल रहे हैं कि वोट मत डालो, अगर वोट आपको डालना है तो बीजेपी को वोट डालो, अगर आप समाजवादी पार्टी को वोट डालोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो रामपुर में आजम खान ने गंभीर आरोप वोटिंग के दौरान बीजेपी पर और पुलिस पर लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची राजस्थान, राहुल बोले ये महात्मा गांधी की पार्टी है, सावरकर या गौडसे की नहीं। जब दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब राजस्थान पहुंच गई है। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से प्रवेश करते हुए राहुल गांधी अब राजस्थान में प्रवेश कर गए हैं। इस मौके पर झालावाड़ा में एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ये महात्मा गांधी की पार्टी है, सावरकर या गौडसे की नहीं है, हम कड़ी मेहनत करना जानते हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी राहुल गांधी आरएसएस बीजेपी पर हमला बोल चुके हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में दूसरे चरण के वोटिंग के दौरान हार्दिक पटेल को लगा बड़ा झटका, पटेल समुदाय के लोगों ने हार्दिक पटेल के खिलाफ लगाए पोस्टर। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में जाना हार्दिक पटेल को भारी पड़ गया, नाराज पाटीदार युवकों ने हार्दिक पटेल के खिलाफ पोस्टर गुजरात में चिपकाए हैं और तंज कसा है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा के टिकट पर वीरम गांव से चुनाव लड़ रहे हार्दिक पटेल के खिलाफ उनकी ही बनाई संस्था पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति ने पोस्टर लगाए हैं। नाराज पाटीदार युवकों ने पोस्टर में लिखा है कि जो अपने खून का नहीं हुआ वो प्रदेश के लोगों का क्या होगा, पाटीदारों का हत्यारा जनरल डायर कौन है, पाटीदार समाज का ही एक वर्ग हार्दिक पटेल के दलबदल व समाज के नाम पर अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने से नाराज हैं, भाजपा में शामिल होने से पहले हार्दिक पाटीदार समिति के विसर्जन
विसर्जन की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन पाटीदार युवकों का एक गुट इसका पुनर्गठन कर समाज के मुद्दों पर लड़ने के मूड में है और इसी दौरान उन्होंने बीजेपी और हार्दिक पटेल के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं। तो हार्दिक पटेल बुरी तरह से इस सीट से चुनाव हार रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी उपचुनाव में रामगोपाल यादव ने लगाया बड़ा आरोप, कहा यादव नाम के 2000 कर्मचारियों को मतदान केंद्र जाने से रोका गया। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात के अलावा आज उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा और रामपुर और खतौली विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के मतदान के बीच आज इटावा में मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव वोट डालने पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जिस प्रकार से जीतती आ रही है वैसे ही जीतेगी। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने निर्देश दिया था कि ड्यूटी के लिए तैनाती अपने रूप से की जाए, लेकिन जब मतदान दल पहुंचे तो लगभग 2000 कर्मचारियों को रोक दिया गया और रिजर्व के रूप में वापस रखा गया, क्योंकि उनके पास यादव उपनाम था। यानी उनका सीधा आरोप है कि यादव उपनाम वाले 2000 कर्मचारियों को मतदान केंद्र जाने से बीजेपी ने रोका है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, गंभीर आरोप जो है समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने बीजेपी पर लगाया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नाइजीरिया में आतंकवादियों ने मस्जिद पर किया हमला, 19 नमाजियों की मौत। या दोस्तों आपको बता दें कि बंदूकधारियों ने नाइजीरिया के कैटसिना राज्य में एक मस्जिद में धावा बोल दिया और मस्जिद के अंदर इस्लामिक शाम की नमाज अदा कर रहे 19 लोगों का अपहरण कर लिया है। स्थानीय नाइजीरियाई समाचार पत्र के मुताबिक आतंकवादियों द्वारा अगवा किए गए 44 लोगों में से 19 मुस्लिम उपासक थे। वे मैगजीन समुदाय में अपनी मस्जिद के अंदर इस्लामी शाम की प्रार्थना कर रहे थे। वहीं आपको बता दें इसमें मौलाना भी शामिल है, मौलाना समित 19 लोगों का अपहरण अगवा इन लोगों ने कर लिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में हार के डर से बौखलाई भाजपा, दांता सीट से कांग्रेस उम्मीदवार पर जानलेवा हमला, इलेक्शन कमीशन ले एक्शन, खगड़े ने किया बीजेपी पर हमला। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खगड़े ने बीजेपी पर आज गुजरात में दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि हमारे विधायक और गुजरात की दांता विधानसभा सीट से आदिवासी प्रत्याशी श्री कांति भाई खराड़ी जी पर कल देर रात भाजपा के गुंडों द्वारा जानलेवा हमला किया गया है। मजबूरन उन्हें जान बचाने के लिए जंगलों में छिपना पड़ा। क्या इलेक्शन कमीशन को इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? हार के डर से बीजेपी बौखला गई है और इसीलिए वह हमारे प्रत्याशी को परेशान कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुंबई के नाला सोपारा में मुस्लिम युवक की फिर से हुई मॉब लिंचिंग। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कथित तौर से मॉब लिंचिंग की एक घटना सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार पेलहार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत नाला सोपारा में एक अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित शख्स को भीड़ ने इस कदर पीटा कि उसकी मौत हो गई। घटना के संबंध में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और दावा किया जा रहा है कि वीडियो पेलहार का है, जहां अज्ञात भीड़ ने अल्पसंख्यक समुदाय को इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। इस मामले में तब ज्यादा तूल पकड़ लिया जब असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM के वरिष्ठ नेता वारिस पठान ने इस घटना से संबंधित कथित वीडियो ट्वीट करते हुए काफी तीखे लहजे में सवाल करते हुए महाराष्ट्र सरकार से फौरन घटना का संज्ञान लेने और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। AIMM के नेता वारिस पठान ने कथित वीडियो को साझा करने के साथ ही अपने ट्विटर कैप्शन में लिखा कि मुसलमान है तो मार दोगे, मुसलमान है तो लिंचिंग करोगे, क्या कसूर सिर्फ ये है कि हम मुसलमान है? महाराष्ट्र सरकार आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़कर सख्त कार्रवाई करे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। इससे पहले भी झारखंड बिहार में कई बार मुस्लिम समुदाय के लोगों की मॉब लिंचिंग हो चुकी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हादसा, अचानक गिरने से कांग्रेस नेता रघुवीर मीणा को लगी चोट, अस्पताल में भर्ती। जब दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंच चुकी है और राजस्थान में हलचल तेज है। कांग्रेस की ये यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे ही लोगों का समर्थन भी मिलता जा रहा है। भारी भीड़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों की संख्या में आम जनता भी चल रही है। वहीं खबर आ रही है कि भारत जोड़ो यात्रा कुछ देर ही चली थी कि एक हादसा हो गया। यात्रा के दूसरे दिन CWC सदस्य रघुवीर मीणा चलते हुए अचानक गिर गए। यात्रा के रायपुर से निकलने के बाद वह पैदल चल रहे थे। जानकारी मिल रही है कि इसी दौरान अचानक उनका जूता खुल गया। जब वह जूता दोबारा पहनने के लिए नीचे हुए तो पीछे से आ रहे लोगों का धक्का लग गया और रघुवीर मीणा अपना संतुलन खो बैठे और वह हाथ के बल नीचे गिर गए, जिसके बाद उनके काफी चोट आई है। उसके बाद उन्हें अस्पताल में तत्काल भर्ती कांग्रेस पार्टी की तरफ से कराया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार सफल होती जा रही है और भारी मात्रा में लोग इसमें जुड़ते हुए जा रहे हैं। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं।
आगे है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की, ये बड़ी बातें उन्होंने कही हैं और ईडी का विरोध जमकर किया है।